लेकिन जिस नालंदा विश्वविद्यालय को उस बख्तियारवा ससुरा ने खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, उसके नाम का जंक्शन बिहार में मौजूद है। चीख चीख के यह सवाल हमको और आपको पूछना पड़ेगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय आज से 1500 साल पहले पूरे विश्व को शिक्षा दे रहा था और उसी की वजह से भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, उस नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है मोदी जी। दूसरी बात, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है, या किसी बिहारी से या फिर भारत में जो लोग बिहार भ्रमण करने आते हैं उनसे छिपा नहीं है, लेकिन यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहां पे 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति यह है कि पूरे बिहार में 3,15,000 शिक्षक पद खाली हैं। कि जो जैसा रहा उसको वैसे रखने की कोशिश की। अब इसमें कुछ लोग हर्ट भी होते हैं, हम लोग भी तकलीफ होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये बदलना चाहिए और ये जब तक ये नैरेटिव नहीं बदलेगा, किसी देश को अगर ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके गौरवशाली अतीत को बताना पड़ेगा और उसका जो मजार है उस मजार को भी आम मजारों की तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ भारत का नुकसान नहीं किया है, संपूर्ण विश्व का नुकसान किया है और संपूर्ण विश्व का नुकसान करने वालों का नामो निशान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। इसलिए मिल जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा, अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज होता तो पूरे विश्व में भारत का नाम विश्व गुरुओं की श्रेणी में रहने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी होता। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के सामने मौजूद हैं। अमूमन जब लोग नालंदा विश्वविद्यालय घूमने आते हैं तो कहते हैं कि खंडहर घूमने गए हो, लेकिन मैं इस नालंदा विश्वविद्यालय को सपने में भी खंडहर नहीं कह सकता, क्योंकि ये वही विश्वविद्यालय है जब पूरे विश्व में कहीं पे भी विश्वविद्यालय नहीं था, भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कुछ विदेशी इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा तहस नहस कर दिया गया, बावजूद उसके यह विश्वविद्यालय आज के डेट में भी चीख चीख के अपने होने का, अपने सर्वश्रेष्ठ होने का गवाही दे रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा यह है कि नीतीश बाबू ने सीएम योगी का बुलडोजर पॉलिटिक्स अपनाने का प्रयास किया गरीबों के ऊपर। बुलडोजर पॉलिटिक्स ढंग से तो नहीं अपना पाए, लेकिन जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों को के नामों को बदल दिया, तो क्या नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस करने वाले बख्तियार के नामों का महिमामंडन करना बंद करेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नालंदा जंक्शन आपको बिहार में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस नालंदा विश्वविद्यालय को उस बख्तियारवा ससुरा ने खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया, उसके नाम का जंक्शन बिहार में मौजूद है, बख्तियार जंक्शन, और उसका कब्र भी मौजूद है। तो सवाल यह है कि जिस भारतीय धरोहर को बख्तियार ने खत्म कर दिया, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया, उसका महिमा मंडन क्यों हो रहा है, उसके नाम से जगहें क्यों हैं, यह मैं भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं। और सवाल यह भी है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार कब होगा, नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार कब होगा, और जो जो चीज़ें चूँकि अंदर रिपोर्टिंग करना मना है, शासनादेश का पालन करते हुए हम लोग अंदर कोई भी किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं किए, लेकिन गेट के सामने, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के गेट के सामने खड़ा होके चीख चीख के यह सवाल हमको और आपको पूछना पड़ेगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय आज से 1500 साल पहले पूरे विश्व को शिक्षा दे रहा था और उसी की वजह से भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, उस नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है मोदी जी? क्योंकि बड़े बड़े दावे आप करते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्धार एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके सामने खड़ा है। दूसरी बात, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, तमाम भोजपत्रों जो कि धरोहर थी भारतवासियों की और खासकर नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसकी वजह से पूरा भारत विश्वविख्यात था, उसके नाम का महिमा मंडन बहुत ही खटकता है। जब हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रहे थे तो एक ई रिक्शा वाला आया और कहा, भैया इस बात का जिक्र बहुत जरूर कीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म करने वाले बख्तियार खिलजी का महिमा मंडन सरकार क्यों कर रही है। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम बताते बताते भावुक हो गया और कहा, और इस कहानी को बताते बताते भावुक हो गया, कहा, भैया ये बहुत बड़ा दर्द है क्योंकि मैं एक बिहारी हूँ और सच्चा बिहारी हूँ, और जब भी मैं नालंदा विश्वविद्यालय
को देखता हूँ तो सुबह शाम यही दुआ करता हूँ कि काश यह नालंदा विश्वविद्यालय पहले की तरह आज भी होता तो भारत वाकई में भारत होता, और भारत का जो संप्रभुता है, जो अखंडता है, जो भारत का जो बेस है, वो पहले की बात आज भी मजबूत होता। अब दूसरी बात, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है, या किसी बिहारी से या फिर भारत में जो लोग बिहार भ्रमण करने आते हैं उनसे छिपा नहीं है। लेकिन यह वही नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ पे 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति यह है कि पूरे बिहार में 3,15,000 शिक्षक पद खाली हैं, और तब यानी कि आज से 1500 साल पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय बना था उस वक्त 5 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक हुआ करते थे, 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक, तो एक शिक्षक एक 5 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक पढ़ते थे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर था वो भी काबिले तारीफ है, जो जिस शिल्प कला से इस पूरे विश्वविद्यालय को बनाया गया है वो भी काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त में यूरोपियन कंट्री के बड़े बड़े लोग, और मुझे लगता है कि तमाम लोग यह दावा करते हैं कि यूरोपियन कंट्री की जो शिल्प कला है, जो हस्तकला है, वो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, उनको आके विश्व नालंदा विश्वविद्यालय की इन तस्वीरों को, इन अवशेषों को देखना चाहिए, और सिर्फ देखना नहीं चाहिए, आंखें फाड़ फाड़ के देखना चाहिए, और उनको यह समझना चाहिए कि जो उनके पास आज है वो हमारे पास 1500 साल पहले हुआ करता था। बाकी एक बार फिर से भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि इस धरोहर को संजोने से ज़्यादा इसको फिर से पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन पुनर्स्थापित करते वक्त इस बात का ध्यान देना होगा कि जो गुणवत्ता पहले थी वो गुणवत्ता आज भी होनी चाहिए, चाहे वो गुणवत्ता विश्वविद्यालय के निर्माण के संबंध में हो या फिर जो शिक्षा पद्धति थी उसके संबंध में हो। बाकी कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे लगातार कितने लोग आते हैं। क्या नाम है सर आपका? रविकांत कुमार पांडे। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? अभी दुकान है मेरा। अच्छा, दुकान है। रविकांत पांडे जी, ये बताइए कि लगभग कितने लोग डेली यहाँ पे आते हैं? अभी तो फिलहाल आ रहे हैं 3,000 लोग। 3,000 डेली आते हैं, और मैंने सुना कि इसका एक सीजन होता है सितंबर से फरवरी तक, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर से मार्च तक। कितने उस समय लगभग डेली कितने लोग आते हैं? डेली है जो कि 1.25 लाख के आसपास लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के। 1.25 लाख लोग। बार बार आप लोग खंडहर इसको कहते हैं, तकलीफ नहीं होता खंडहर कहते वक्त? खंडहर क्यों कहेंगे, ये तो विश्वविद्यालय है तो खंडहर क्यों कहते हैं? नहीं, मैं जब आया तो पर्यटक लोग खंडहर के नाम से कहते हैं कि खंडहर, पर्यटक लोग जानते हैं खंडहर के नाम से, इधर स्थानीय लोग उनको बताते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। समझे, दुख होता होगा जब आप लोग ये बात सुनते हैं। वो खंडित हो गया तो खंडहर के नाम से जाना ही जाएगा ना, खंडित पुनः वो न्यू रहता तो उसको है जो कि विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। अब खंडित हो गया तो खंडहर को कहा जाएगा, जो वर्तमान में अभी खंडहर। इस बात का तकलीफ होता होगा? तकलीफ होकर तो क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ भी तो समस्या का समाधान नहीं है। सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार कितने तरह के ध्यान देगी, इतना तरह का साइट सीन, ये तो एयर क्लोजकल द्वारा इतना है जो कि दर्शक भी देने के लिए है, नहीं तो एयर क्लोजकल भी नहीं होता तो इसका भी नाम निशान मिट जाता। और इस बात की भी तकलीफ होगी कि जिस इस्लामिक विदेशी आक्रांता ने इसे मिटा दिया, उसका महिमा मंडन अभी तक बिहार में हो रहा है, उसके नाम से जगह है, उसके नाम से रेलवे स्टेशन है, उसकी मजार है। तो वो तो गलत फहमी में जलाए थे ना, तो जानने की पहचान उनका है जो कि अस्तित्व रखा गया है, जब जानकारी रहता कि पुनः की शिक्षा ग्रहण करने का केंद्र है तो नहीं आग लगाते वो, उनको लगा कि हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है इस पर जो कि आकर्षित करते हैं तो उसी गलत लेकिन, में लेकिन उसकी गलत फहमी में और उसके द्वेष में, चूँकि ये धार्मिक स्थल है, वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल नहीं है, ये तमाम विश्व का धार्मिक स्थल है, शिक्षा का मंदिर है ये। बख्तियार खिलजी का माइंड में लग गया कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी अगर हिंदुओं का समझ के अगर जलाता तब तो वो और बड़ा गुनाह कर रहा था। हाँ, वो तो गुनाह था उसमें चल ही रहा था। तो ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना आप लोगों को लगता है कि सही है? बख्तियार खिल जैसे अभी तक उसका नाम नहीं बदला गया, नालंदा जंक्शन आपने नाम नहीं सुना होगा। मैं भी एक विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं और मैं यहां आया हूं यही देखने के लिए कि हमारा प्राचीन विश्वविद्यालय और इसकी संस्कृति कैसी थी, और ये सुन के तकलीफ होती है कि जिसने इसको जलाया, इसको खंडहर में तब्दील किया, उसके नाम पे आज भी शहर का नाम है, स्टेशन का नाम है। सवाल सरकार, और ये अभी तो मैं यूपी से आया हूँ। नहीं, ये सवाल तो सरकार से करूंगा लेकिन किस माध्यम से करूंगा, आप ही लोगों के माध्यम से ना करूंगा। यूपी से आया हूँ और मैंने देखा कि जैसे आते समय बोर्ड की बख्तियार। यूपी में कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैं गोरखपुर से आया हूँ।
तो ये हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने के लिए अगर 200 साल जो है 400 साल 1000 साल किसी ने विराज किया, लेकिन आज़ादी के बाद जब अपनी सरकार है, अपने लोगों की सरकार है, तो अपनी स्मिता को वापस लेके आने, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो गुलामी की जंजीरों को जितनी जगह पकड़ के रखता हो, हमेशा उनकी सरकारों ने गुलामी के निशानों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ ये कमी रही है। अब ये चाहे तुष्टीकरण हो चाहे जिसकी भी रीज़न से, कि जो जैसा रहा उसको वैसे रखने की कोशिश की। अब इसमें कुछ लोग हर्ट भी होते हैं, हम लोग भी तकलीफ होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये बदलना चाहिए, और ये जब तक ये नैरेटिव नहीं बदलेगा, किसी देश को अगर ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके गौरवशाली अतीत को बताना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, मैंने पहले ही यह कहा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स तो आपने गरीबों के ऊपर चलवा दिया 96 घरों के ऊपर, लेकिन बाबा की एक और क्वालिटी है, बाबा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में हैं उनकी एक और क्वालिटी है, वो भारतीय धरोहरों का नाम चेंज करने में जो प्राचीन नाम थे थोड़ा भी समय नहीं लगाते हैं, कम से कम उनसे यह सीख के, कम से कम जो बख्तियार खिलजी था उसके नाम से जो जंक्शन है उसको नालंदा जंक्शन किया जाना चाहिए, और उसके नाम से जो शहर है उसको भी नालंदा के नाम से किया जाना चाहिए, और उसका जो मजार है उस मजार को भी आम मजारों की तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ भारत का नुकसान नहीं किया है, संपूर्ण विश्व का नुकसान किया है, और संपूर्ण विश्व का नुकसान करने वालों का नामों निशान मिट्टी में मिल जाना चाहिए। इसलिए मिल जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा, अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज होता तो पूरे विश्व में भारत का नाम विश्व गुरुओं की श्रेणी में रहने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी होता, वो दम नालंदा विश्वविद्यालय में था। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।